हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो बोलते। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि फाइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नई भर्ती का। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, ये नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया गया है आयकर विभाग की तरफ से, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों यहां पर जो वैकेंसी जारी की गई है वो आप देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की वैकेंसी है। वहीं दोस्तों यहां पर आपको जो सैलरी मिल रही है, काफी जबरदस्त आपको यहां पर सैलरी देखने को मिल रही है और ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, मतलब कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो भर्ती है डायरेक्ट भर्ती है, बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो वीडियो काफी खास होने वाला है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, ITI डिप्लोमा डिग्री पास है, तो इस वैकेंसी के अलावा और भी अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से भर्तियां आ चुकी है, जैसा कि रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, इन सभी सरकारी डिपार्टमेंट से भर्तियां आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी के लिए आप जो है हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं tipswarrierbuzz.xyz पर। दोस्तों यहां पर आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, तो आज ही वेबसाइट पर जाएं, जानकारी ले और अप्लाई करें। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके सिटी का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपके सिटी के आसपास की भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। तो आगे बढ़ते हैं सीधा भर्ती की ओर, आपको बताते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कौन कौन सी पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस साल 2023 की नई भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन आपसे ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं, यानी कि बाय पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा, ठीक है। वही दोस्तों ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं, मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। पोस्ट की बात की जाए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है, यानी कि आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी है। दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं, बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है, यानी कि इस भर्ती के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी आपको 18,000 से लेकर के 1,42,400 रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही है, तो सैलरी आपको काफी हैंडसम मिल रही है, काफी जबरदस्त सैलरी है। वहीं एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो एज लिमिट है वो कम से कम 18 साल की है और अधिकतम जो है 30 साल की है। तो दोस्तों अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, SC ST के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC NCL के 3 साल की छूट है और बाकी PW के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट है। मतलब कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आयुष्मा में छूट का बेनिफिट भी आप दे सकते हैं, जो कि एज पर रूल्स आपको मिलने वाला है। वही दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बता दें, 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास यानी ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज आपको बता देते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि MTS की पोस्ट के लिए केवल 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स असिस्टेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। वही दोस्तों इसके आवेदन जो है आपसे ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है ऑफलाइन अप्लाई करने की 6 फरवरी 2023 है। तो दोस्तों 6 फरवरी से पहले आपको अप्लाई करना है, बाय पोस्ट ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। दोस्तों यहां से आप जो है नोटिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहां पर लिंक दिया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये लिंक है, यहां पर आपको जाना होगा, इस लिंक पर जाकर के आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रोसेस बताया गया है। पूरी जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, तो यहाँ पर अगर आपके पास में इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट है मेन वुमेन का, तो यहाँ पर आप जो है एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर कोई सा भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 72 पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मतलब 72 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। तो बड़ी भर्ती है, अप्लाई जरूर कीजिएगा, बिना एग्जाम के डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी दे रखी है, इसे आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल है, शंका है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप किस सिटी से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।